till I get up. Time is barely on our side. Simply available है. हम ये सब load combination add करेंगे. और मैंने इसका already file बना लिया है. आपको मैं directly वही फाइल दिखाऊंगा. ये पूरे का पूरा लोड कॉम्बिनेशन है. वन बाय वन में आप सब आपको सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करूंगा और बिल्डिंग पे लोड कॉम्बिनेशन ऐड करूंगा. इसमें थोड़ा सा हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे. दैट मींस ये सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन है. इसमें ये ELX 0.3LY और 0.3LZ ये सारे के सारे सेम ही आ रहे हैं. तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से एड कॉम्बो बना लेंगे सबका और फिर हम डायरेक्टली इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे और हमारा डायरेक्टली लोड कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा. अब पहले क्या करेंगे, डिफाइन में जाएंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे. ओके, अब हम डिफाइन में जाएंगे, लोड कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, एड न्यू कॉम्बो करेंगे और पहले हम ये सिर्फ ए ही ऐड करेंगे यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे ELX दैट मींस यहाँ से EQX जिसकी वैल्यू 1 है. ओके, और यहाँ से EQY जिसकी वैल्यू 0.3 है. दैट मींस ये क्या, हम फर्स्ट जो 100% वन डायरेक्शन में करेंगे और दूसरी डायरेक्शन पे हम जीरो उसका 30% ऐड करेंगे. फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, वाई में 100% करेंगे और एक्स और जेड में 30% ऐड करेंगे ताकि हम पूरे के पूरे क्रिटिकल कंडीशन को चेक कर सके. और यहाँ पे 0.8 हो गया और फिर से यहाँ सेट करेंगे EQZ उसकी भी 0.3. इस तरह से सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन पहले मैं ऐड करूंगा और ये फिर से मैं बी ऐड करूंगा यहाँ पे नेगेटिव जेड डायरेक्शन पे है सिर्फ, यहाँ पे फिर से ऐड करूंगा. इस तरह से सारे के सारे ऐड कर लूंगा वन बाय वन करके, इस तरह से सारे के सारे ऐड करूंगा. और अब हम अब मैं वन बाय वन जीरो इस तरह से ये सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन वन बाय वन ऐड करूंगा. ऐसे ऐड न्यू करके ये पहले लिख के कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे डेड लोड की 0.9 और ऐड करके के यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल ए सिलेक्ट करूंगा और इसका फैक्टर है -1.5. ओके करूंगा, फिर ऐड कॉपी कॉम्बो यहाँ से कैपिटल बी यहाँ से सिंपली बी. ओके, कॉपी कॉम्बो यहाँ से सी यहाँ से सी. ओके, यहाँ से डी यहाँ से डी. ओके, पॉइंट फाइव. ओके, इस तरह से सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन हमको वन बाय वन ऐड करने पड़ेंगे. डिफाइन में लोड कॉम्बिनेशन में सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन मैंने ऐड कर दिए हैं और सिंपली हमको ओके करना है और फिर हमको यहाँ से एनालिसिस में जाके सेट डॉट केस टू रन करना है फिर से और सिंपली रन नाउ करना है. और प्रोसेस कंप्लीट हो जाने तक हमको वेट करना है. और यहाँ से हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं ये वाई डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है. और ये हम नेक्स्ट यहाँ से जेड डायरेक्शन का भी देखेंगे और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन पे हम देख सकते हैं इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. और यहाँ से हम ये स्टॉप भी कर सकते हैं और
यहाँ से स्टॉप करके जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमको सारी की सारी वैल्यू दिखाई देगी। अगर यहाँ पे 0 0 वैल्यू होगी दैट मीन्स हमको वहाँ लोड अप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे सारी जगह पे लोड अप्लाई हो चुका है। और ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स हमने जो लोड अप्लाई किया है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में उसके बेस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, अब हम डिजाइन के लिए मूव हो गए आगे। ये यहाँ तक एनालिसिस पार्ट था और नेक्स्ट स्टेप में हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन के लिए हम IS-1893-2016 कोड ही यूज करेंगे। अब हम मॉडल को अनलॉक नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन में जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन में जाएंगे हम, वहां पे हम सारे के सारे लोड ऐड करेंगे और जो अननेसेसरी है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, सिंपली ओके करेंगे, दैट मीन्स हमारा सारा का सारा लोड ऐड हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस में जाएंगे और रन एनालिसिस करेंगे, सॉरी डिजाइन में जाएंगे और कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में जाएंगे और वहां से स्टार्ट डिजाइन चेक करेंगे। उसमें हर एक बीम और कॉलम की डिजाइन होगी, उस इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी टाइम अंटिल उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। Till I get up, time is barely on our side.